Hello students, good morning. Today we will discuss demerits of partners in business. In our previous video we have already discussed meaning, merits, features of partners in business. So today we discuss demerits of partners and types of partners firm. So, जब हम डीमेरिट डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस से हमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस मिलती है या क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सो वो प्रॉब्लम्स हमारी ये पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट डीमेरिट्स विल बी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एवरी स्टूडेंट नो दैट इन पार्टनरशिप बिजनेस देर आर मोर देन वन पार्टनर एंड एवरी पार्टनर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देर इज नो लिमिट फिक्स ऑफ द पार्टनर्स टू बियर द लॉस। पार्टनर्स के लॉस को बियर करने की कोई लिमिट फिक्स नहीं होती है। सम टाइम इफ अवर बिजनेस फेस लॉस इन लार्ज क्वांटिटी देन द पार्टनर्स इज आल्सो यूज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पेमेंट ऑफ दिस लॉस। ठीक है, क्योंकि अगर कई बार फर्म इतना लार्ज स्केल का लॉस बियर करती है तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके भी उस लॉस को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो यह पार्टनर्स के लॉस को बियर करने की कोई लिमिट फिक्स नहीं है। मैंने अपनी कल की वीडियो में भी आपको एक बात वो बताई थी कि अगर कोई बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है, उस बिजनेस की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी मार्केट में क्रिएट हो जाती है। और बेटा जिन बिजनेस की सेपरेट आइडेंटिटी मार्केट में क्रिएट होती है तो उस बिजनेस के सभी मेंबर्स, पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। बट इन पार्टनरशिप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, सो ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इट मीन्स इनके लॉस को बियर करने की कोई लिमिट फिक्स नहीं होती है। समटाइम लॉस को बियर करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या करते हैं, सेल करते हैं। सो ये पार्टनर्स की मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए डीमेरिट्स में इसको हमने काउंट किया है। सेकेंड विल बी नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि इफ इन पार्टनरशिप बिजनेस इफ वन पार्टनर ट्रांसफर इज शेयर टू एनी थर्ड पार्टी देन विदाउट एग्रीमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, विदाउट परमिशन ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, दैट पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर इज शेयर। ठीक है, सो दिस इज द डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, क्योंकि यहाँ पार्टनर्स को किसी टाइप की कोई ऑटोनॉमी नहीं है। जैसे ए बी सी डी देर आर फोर पार्टनर इन आवर पार्टनरशिप बिजनेस, इफ डी वांट टू ट्रांसफर इज शेयर ई, इफ डी वांट टू सेल इज शेयर टू ई, अगर डी अपना हिस्सा ई को सेल करना चाहता है तो विदाउट परमिशन ऑफ ए बी सी डी कांट ट्रांसफर इज शेयर टू ई। If in some cases B and C both are agreed to transfer his share, ठीक है, with E, but he is not agreed with the view of D, then in that case the D cannot transfer his share to E, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जब भी हम अपने शेयर्स को किसी भी पर्सन को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमें रिमेनिंग पार्टनर्स की परमिशन लेनी जरूरी है। If remainings are agree, then we can transfer, we can do that work. Remaining are not agree, then we can't transfer his share to any third person. अगर D E को admit करना चाह रहा है या B C D तीनों ये partner ये चाहते हैं कि वे E को admit या एक नए partner को admit किया जाए, ठीक है, जिसका नाम F है। A नहीं चाहता है कि F को admit किया जाए, तो बेटा हम एक नए partner F को admit नहीं कर सकते। तो कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में इफ वन पार्टनर अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो रिमेनिंग की परमिशन के बगैर, रिमेनिंग की एग्रीमेंट के बगैर, या रिमेनिंग जब तक एग्री नहीं होंगे तो तब तक वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो दिस इज द डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। थर्ड आता है कॉन्फ्लिक्ट्स। नेम से ही पता चल रहा है इन पार्टनरशिप बिजनेस देर आर मोर देन वन पार्टनर। Every partner is also comes in our business for different backgrounds. Every partner have different method to perform the work in our business. ठीक है, every partner have different working style to perform the task. So there is a more chances of disputes between all partners. इसलिए उन सभी partners के बीच में बच्चों conflicts या disputes होने के chances क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि every partner consider I am the best,
आई एम टेकिंग द बेस्ट डिसीजन इन अवर बिजनेस। ठीक है, हर पार्टनर अपने आप को बेस्ट कंसिडर करता है, हर पार्टनर अपनी वर्किंग स्टाइल को बेस्ट बताता है, इसलिए उन सबके बीच में डिस्प्यूट भी अराइज हो जाता है। और समटाइम तो डिस्प्यूट इतना लार्ज क्वांटिटी में हो जाता है, इतना लार्ज साइज में डिस्प्यूट हो जाता है कि हमें बिजनेस को भी वाइंड अप करने का डिसीजन लेना पड़ सकता है। ठीक है, सो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी क्या रहते हैं, ज्यादा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती, क्योंकि वहां एक सिंगल ओनर है तो उसका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होता। फोर्थ डिमेरिट्स विल बी अनसर्टेनिटी, कहता है, या अनसर्टेनिटी को आप लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी डिमेरिट्स कह सकते हो। ठीक है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी में कह रखा है कि भी पार्टनरशिप बिजनेस में कंटिन्यूटी नहीं रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस अगर आपने एक डेफिनेट पीरियड के लिए स्टैब्लिश किया गया है तो ऑटोमेटिक डेफिनेट पीरियड के ओवर होने के बाद हमारा बिजनेस क्या हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है। बट इफ पार्टनरशिप बिजनेस इज ऑल्सो स्टैब्लिश फॉर इनडेफिनेट पीरियड, देन इफ ऑल पार्टनर्स आर एग्री टू वांट टू वाइंड अप ऑफ द बिजनेस, देन दे कैन वाइंड अप। ओके, इफ ऑल पार्टनर्स आर नॉट एग्री टू वाइंड अप ऑफ द बिजनेस, ठीक है, लेकिन दो ही पार्टनर है, अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इन सच केस वी क्लोज अवर बिजनेस। तो कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती है, अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप बिजनेस एक डेफिनेट पीरियड के लिए स्टैब्लिश किया गया है तो डेफिनेट पीरियड के बाद ऑटोमेटिक मुझे बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर पार्टनरशिप बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड के लिए स्टैब्लिश किया गया है बट पार्टनरशिप बिजनेस में ओनली टू पार्टनर है, क्योंकि डीमेरिट डिस्कस कर रहे हैं तो यू थिंक ओनली पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। इफ देयर आर द टू पार्टनर इन अवर पार्टनरशिप बिजनेस, वन पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, देन सच केस वी हैव नीड टू क्लोज अवर बिजनेस। तो उस केस में भी हमें अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ता है। सो पार्टनरशिप बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती है। ठीक है, उसके बाद ये सिर्फ दो का एग्जांपल देके मैंने एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि मैं डीमैट अगर मान लो मोर देन दो से ज्यादा है, चार है, पांच है, छह है, तो बेटा उस केस में तो एक की डेथ भी हो जाती है और रिमेनिंग्स आर एग्री टू वांट टू कंटिन्यूस ऑफ दिस बिजनेस, देन दे कैन कंटिन्यूस या दे कैन कंटिन्यूस रन दैट बिजनेस। तो उस केस में हमें बिजनेस को वाइंड अप नहीं करना पड़ता, लेकिन वो मेरिट्स में। बट मैं यहाँ डीमेरिट डिस्कस कर रही हूँ तो इसलिए मैंने दो पार्टनर्स का ही एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने पॉइंट को प्रूव करना होता है। तो डीमेरिट्स में आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचो। जैसे बच्चों के माइंड में आता है, मैडम कोई दो होने जरूरी तो नहीं है, मे बी 5 हो सकते हैं, मे बी 10 हो सकते हैं, मे बी 15 हो सकते हैं। 15 में अगर एक की डेथ हो जाती है, 14 आर एग्री टू रन द बिजनेस इन ए कॉन्टिन्यूस वे, देन दे कैन रन अवर बिजनेस इन ए कॉन्टिन्यूस वे, देर इज नो प्रॉब्लम अराइज अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स, बट दैट पॉइंट इज नॉट बिकम द डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। हम डीमेरिट डिस्कस कर रहे हैं तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ओनली टू पार्टनर। इफ वन पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, देन ऑटोमेटिक हमें अपना बिजनेस क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। सो पार्टनरशिप बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। उसके बाद फिफ्थ डीमेरिट्स आते हैं, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। कल मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप की वजह से भी पार्टनरशिप बिजनेस को लॉस फेस करना पड़ता है, क्योंकि इन म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप में एवरी पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज एजेंट। इफ एवरी पार्टनर इज द ओनर, देन दैट ओनर इज आल्सो डू द कॉन्ट्रैक्ट टू थर्ड पार्टी, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द थर्ड पार्टी। ठीक है, इस इन दिस कॉन्ट्रैक्ट अवर फर्म फेस लॉस, इस कॉन्ट्रैक्ट से फर्म को लॉस बियर करना पड़ता है। वो लॉस जब ऑल ओवर पार्टनर्स में डिवाइड होता है, ठीक है, तो फर्म को तो इतना लार्ज क्वांटिटी में अगर लॉस हो जाता है तो फर्म को तो क्लोज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ पार्टनर्स को भी लार्ज क्वांटिटी का लॉस बियर करना पड़ता है। तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप की वजह से भी फर्म को लॉस फेस करना पड़ता है। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, बेटा मैं अगर मान लो तीन पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, ए ने एक थर्ड पार्टी से कॉन्टेक्ट कर दिया। ठीक है, अब थर्ड पार्टी से कॉन्टेक्ट करा तो उस कॉन्टेक्ट से थर्ड पार्टी को 10 लाख रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, प्रॉफिट हुआ, सॉरी, थर्ड पार्टी को 10 लाख रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट। लेकिन जब ये डील ए कर रहा है
थर्ड पार्टी से, तो ये कह रहा है आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 50% आप मुझे दोगे। उसने 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 5 लाख उस दे दिया, ए को दे दिया मान लो, और बाकी 5 लाख खुद दे दिया। अब मेरी फर्म को 10 लाख का क्या हुआ? लॉस। अब 10 लाख का ये लॉस जब अगर 5 पार्टनर्स में डिवाइड होता है, ठीक है, तो बेटा हर पार्टनर के हिस्से में 2-2 लाख रुपए का लॉस आ जाता है। एक को तो फिर भी फायदा मिला, 5 लाख का बेनिफिट उसको थर्ड पार्टी से मिल गया, और 2 लाख का लॉस इसको बिजनेस से हो रहा है, तो फिर भी 3 लाख का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन थिंक रिगार्डिंग अनदर पार्टनर्स, अनदर पार्टनर्स इज ऑल्सो बियर द लॉस रुपीज 2 लाख। 2 लाख तक का लॉस अनदर पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? बियर कर रहे हैं। तो कहता है सम टाइम म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप की वजह से भी पार्टनरशिप बिजनेस को लॉस बियर करना पड़ता है, क्योंकि एवरी पार्टनर इज द ओनर इन अवर बिजनेस, और एवरी पार्टनर को ओनर कंसिडर कर लेते हैं, तो सम टाइम पार्टनर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ऐसे डील कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी फर्म को क्या बियर करना पड़ता है? लॉस बियर करना पड़ता है। बेटा वैसे ये जब वैसे तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार कोई बंदा फर्म का फायदा ना देकर पर्सनल बेनिफिट को दे कंसीडर कर लेता है, तो उस केस में इस वाली फीचर से हमें क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। और लॉस होगा तो ये किस में काउंट कर दिया हमने? डीमेरिट्स में। 6, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। कहता भाई पब्लिक भी इस पे फेथ ही नहीं करती है पार्टनरशिप पे, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस अपने एनुअल अकाउंट्स पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जब अकाउंटिंग ईयर के एंड में पार्टनरशिप अपना ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाता है, तो ये अपने अकाउंट्स को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करता है, और पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करता है तो पब्लिक इस पे फेथ नहीं करती है। पब्लिक हैव नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप बिजनेस, हाउ मैनी असर्ट्स इन पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, कितनी लाइबिलिटी है, कितनी असर्ट्स है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, सच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आर नॉट ऑब्टेन बाय द पब्लिक, सो पब्लिक नॉट फेथ इन पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कहता पार्टनरशिप फर्म हैव टू टाइप्स, ऑन द बेस ऑफ टाइमिंग पीरियड और ऑन द बेस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग, और एक आता आपका टाइमिंग पीरियड के अकॉर्डिंग। समझ आ गया? पहले मैं टाइम पीरियड वाला समझाती हूँ। कहते टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट पार्टनरशिप आप दे रखी आपकी पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, ठीक है, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। और उसके बाद थर्ड विल बी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कहता है पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि विल पे डिपेंड है, इच्छा पे डिपेंड है। पार्टनरशिप एट विल इज दैट पार्टनरशिप विच इज एस्टैब्लिश्ड फॉर इनडेफिनेट पीरियड, दिस पार्टनरशिप इज टोटली डिपेंड ऑन पार्टनरशिप पार्टनर्स विल, इफ द पार्टनर्स इज वांट टू रन द बिजनेस, ठीक है, देन दे कैन रन, इफ द वन पार्टनर इज डिजायर टू क्लोज द बिजनेस देन दे कैन क्लोज। इट मीन्स सच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज टोटली डिपेंड ऑन द विल या डिजायर ऑफ पार्टनर्स। कहता है पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप होती है जो इनडेफिनेट पीरियड के लिए स्टैब्लिश की गई है। ये पार्टनरशिप जो होती है पार्टनर्स की विल पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर पार्टनर्स की विल या डिजायर है उसको कॉन्टिन्यूस रन करने की, तो दे कैन रन देयर बिजनेस फॉर ए कॉन्टिन्यूस वे। अगर पार्टनर्स की डिजायर या विल है उसको क्लोज करने की, तो दे कैन क्लोज। अगर 4 पार्टनर्स में से एक पार्टनर की विल है उसको क्लोज करने की, तो भी हमें बिजनेस क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप एट विल में ये पार्टनरशिप इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती है, और ये पार्टनर्स की विल पे डिपेंड करती है, डिजायर पे डिपेंड करती है। जब उनकी इच्छा होती है क्लोज करने की तो वो क्लोज कर देते हैं, जब उनकी इच्छा होती है बिजनेस को रन करने की तो वो बिजनेस को रन करते हैं। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, बेटा फिक्स पीरियड पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है, नाम से पता चल रहा है, जो एक फिक्स पीरियड के लिए एस्टैब्लिश की गई है। जैसे ही आपका फिक्स पीरियड ओवर होता है वैसे ही पार्टनरशिप क्या करनी पड़ जाती है? हमें क्लोज करनी पड़ जाती है। जैसे मैंने 10 साल के लिए पार्टनरशिप बिजनेस सेटअप किया है, तो 10 साल के बाद ऑटोमेटिक मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा? वाइंड अप हो जाएगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो स्पेशल किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एस्टैब्लिश की गई है।
Particular partnership is that partnership which is set up by all partners to perform a special task. जैसे ही आपका टास्क ओवर हो जाता है वैसे ही पार्टनरशिप भी एंड हो जाती है. सच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पर्टिकुलर पार्टनरशिप. कहता पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपने सेटअप की गई है. जैसे ही आपका टास्क ओवर हो जाता है वैसे ही पार्टनरशिप भी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है. ठीक है, जैसे एक ब्रिज बनाने के लिए पार्टनरशिप कर ली, ब्रिज बना, पार्टनरशिप एंड. एक बिल्डिंग बनाने का पार्टनरशिप कर ली, बिल्डिंग बनी, पार्टनरशिप एंड. एक डैम बनाने की पार्टनरशिप की, डैम बना, पार्टनरशिप एंड. ओके, इसको बोला जाता बेटा टाइमिंग पीरियड के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप. पार्टनरशिप एट विल फिक्स पीरियड के लिए और पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए स्टैब्लिश की गई है. लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, कहता है ये मेंबर्स की लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग होती है. और मेंबर्स की लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप टू टाइप की होती है, एक जनरल पार्टनरशिप और एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. बेटा जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. जनरल पार्टनरशिप इज दैट पार्टनरशिप इन विच द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स हैव अनलिमिटेड. एवरी पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेट करने का राइट है. एवरी पार्टनर मनी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है. एवरी पार्टनर, ठीक है, फर्म की बुक्स को चेक कर सकता है. एवरी फर्म ओनर होता है. तो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड द जनरल पार्टनरशिप. लेकिन जो नई आई है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, बेटा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को LLPP कहा जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना था उस टाइम LLP नाम की कोई पार्टनरशिप नहीं थी बेटा. पार्टनरशिप एक्ट में चेंज किया गया 2008 में, और पार्टनरशिप एक्ट 2008 में एक नई पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस किया गया. उस नई पार्टनरशिप का नाम ही LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बेटा वो लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है जिसमें, ठीक है, एटलीस्ट वन पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड. अगर मेरे बिजनेस में LLP पार्टनरशिप यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें कम से कम एक पार्टनर की, एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. कम से कम एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होना जरूरी है. जैसे मेरे बिजनेस में 10 पार्टनर है, समझ आ गया, LLP की बात समझा रही हूँ. 10 में से इस एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होना जरूरी है, बाकी 9 की लिमिटेड चलेगी. क्यों? क्योंकि अगर फर्म को बहुत लार्ज स्केल का लॉस हो गया तो बाकी 9 पार्टनर तो एक लिमिट तक का ही लॉस बियर करेंगे. भाई एक पार्टनर तो ऐसा हो जो अनलिमिटेड लॉस को बियर करे, जिसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो जाए उस लॉस को फेस करने के लिए. तो बेटा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें कम से कम एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होना बहुत जरूरी है, बाकी चाहे सबकी लिमिटेड हो कोई दिक्कत नहीं है. समझ आ गया? तो सच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के फीचर्स में फर्स्ट ये फीचर्स है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की. फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट तो है द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड. एक तो जो मैंने इसका मीनिंग बताया है वही इसकी फीचर है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से कम एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर ज्यादा लॉस हो जाए तो कम से कम एक पार्टनर की तो पर्सनल प्रॉपर्टी लॉस को बियर करने के लिए हम यूज कर सके, इसलिए कम से कम एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होना जरूरी है. उसके बाद जो अदर्स पार्टनर है बेटा, जितने भी अदर पार्टनर्स हैं, अदर्स की लाइबिलिटी कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए. अदर्स की लाइबिलिटी कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड. उसके बाद थर्ड फीचर्स आते हैं बेटा, जो लिमिटेड जिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है बेटा, उन पार्टनर्स को स्पेशल पार्टनर्स बोला जाता है. उन पार्टनर्स को क्या बोला जाता है, स्पेशल पार्टनर्स. समझ आ गया? और स्पेशल पार्टनर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता. नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. स्पेशल पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. फिफ्थ फीचर्स है, जब चाहे फर्म के अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं.
फॉर्म अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, यानी जो आपके लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर्स हैं वो जब चाहे फर्म के अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फर्म की बुक्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कहते हैं सिक्स्थ फीचर है, जब चाहे स्पेशल पार्टनर्स अपना शेयर फर्म से विड्रॉ कर सकते हैं, शेयर विड्रॉ कर सकते हैं, यानी जिन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है वो जब चाहे अपना शेयर फर्म से विड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। अगर स्पेशल पार्टनर हमारा इनसॉल्वेंट हो जाता है, कौन सा स्पेशल पार्टनर अगर हमारा इनसॉल्वेंट हो जाता है तो नो इफेक्ट ऑफ द फर्म उनका हमारे फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये थी एलएलपी की फीचर्स। बेटा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें एटलीस्ट वन पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है मैंने बता दिया अभी, भाई सबकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी तो इतना लार्ज क्वांटिटी का लॉस कौन बियर करेगा, सब लोग तो एक लिमिट का लॉस बियर करेंगे, बाकी कौन करेगा, इसलिए एक की लायबिलिटी अनलिमिटेड होना बहुत जरूरी है ताकि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज हो जाए। फिर कई बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, मैडम वो एक इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा, वो एक पार्टनर जिसकी लायबिलिटी आप अनलिमिटेड ठहरा रहे हो वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा, उसको क्या बेनिफिट हो रहा है अनलिमिटेड लायबिलिटी लेने से। बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है बेटा, उसको कोई ना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट फर्म उसको दे रही होगी, हो सकता है उसको एक्स्ट्रा कुछ सैलरी मिल रही हो, प्रॉफिट का शेयर उसको थोड़ा ज्यादा मिल रहा हो, कुछ ना कुछ फर्म उसको एक्स्ट्रा देती है, क्योंकि फर्म जब उसको कुछ एक्स्ट्रा देती है तब वो अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर करने के लिए एग्री होता है, अदरवाइज तो कोई भी पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर करने के लिए एग्री नहीं होगा, समझ आ गया। तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है तो जाके वो ये इस टाइप का रिस्क उठाने के लिए वो तैयार होता है। फीचर्स में बेटा एक की लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी अदर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनको स्पेशल पार्टनर्स बोला जाता है, ठीक है। वो कभी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो फर्म को जब चाहे अकाउंट्स को बुक्स को चेक कर सकते हैं, जब चाहे वो अपना शेयर फर्म से क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हमारा स्पेशल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बेटा उसका हमारी फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ओके। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, लेकिन फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है मोस्ट वेलकम, आप अपने मैसेज के थ्रू अपने डाउट्स मेरे से शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।